ओवर पावर एनर्जी में अगेन, अब इसमें से डायरेक्ट सवाल आते हैं डेफिनेटली, लेकिन इसका भी ज्यादा यूज होता है दूसरे चैप्टर्स में, ठीक है। तो सेम स्ट्रेटेजी से फटाफट से रिवाइज करते हैं, सारी काम की चीजें एक जगह लिखी हुई है पकी पकाई, ठीक है। चलिए, तो वर्क डन की डेफिनेशन, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, एक फोर्स का वर्क होता है तो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, अगर फोर्स कॉन्स्टेंट है तो वो एफ डॉट एस हो जाता है, एफ बाहर आ जाता है और डीएस का इंटीग्रेशन एस हो जाता है, फिर वो एफ एस कॉस थीटा हो जाती है, जहां पर थीटा एफ और एस के बीच का एंगल है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि ये, ठीक है। अगर थीटा 0 से 90 के बीच में तो पॉजिटिव होगा, थीटा 90 है तो जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, और थीटा 90 से बड़ा है तो वर्क डन बाय फोर्स नेगेटिव होगा, राइट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसका एक और यूनिट होता है छोटू यूनिट, अर्ग, अर्ग अर्ग है ये, अर्ग 10^-7 जूल, जैसे अरे वो न्यूटन में एक रह गया, जैसे डायन होता है ना, वो 1 dyn = 10^-5 न्यूटन है ना, 10^-5 होता है वो, ये फोर्स फोर्स का होता है, ये डायन नहीं होता, ये डायन नहीं होता, ये डायन नहीं है, भूत प्रेत वाली है, ये डाइन है, डाइन यार, ये बना भी ऐसे बिल्कुल एकदम डाइन जैसे ही बना है, ये डी वाई नहीं होता ये, ठीक है ना। तो इसी तरह से छोटा यूनिट एक अर्ग होता है यहाँ पर, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ऑल सेट, ठीक है। देन एक फोर्स का वर्कडन निकालना था, एफ डॉट एस कर लो, नेट वर्कडन निकालना है अगर हमको, तो भाई नेट वर्कडन निकालने के लिए सारी फोर्सेस का वर्क ले लो और उनको जोड़ लो, एक तरीका, तीन फोर्सेस लग रही है, नेट वर्कडन निकालना, तीनों का वर्क निकाल के स्केलर तरीके से जोड़ लो, एक तरीका। दूसरा तरीका, नेट फोर्स निकाल लो और नेट फोर्स का वर्क निकाल लो, दोनों तरीके से सेम आंसर ही आता है, राइट। एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है वो एरिया हमको वर्क डन दे देता है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है उसका एरिया हमको वर्क डन दे देता है। डायन को भगाओ, इसकी जरूरत नहीं यहां पर, अभी न्यूटन लॉ में आनी थी, तो ठीक है कोई बात नहीं, यहां समझ लिया हमने, राइट। अबे नाउ, ठीक है, तो यार ये बेसिक चीज तो हमने पढ़ ली इसकी, ये अब भाई साहब अगर हम देखें वेरिएबल फोर्स है, अगर कॉन्स्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है, चलो पहले कॉन्स्टेंट फोर्स की एक चीज और पढ़ लेते हैं, कांस्टेंट फोर्स की चीज और पढ़ लेते हैं, सिंपल है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। मैं यार इधर से ऐसे ले जाऊं या इधर से सीधे ले जाऊं या फोर्स की डायरेक्शन में दो पॉइंट्स के बीच में कैसे भी ले जाऊं, वर्क डन सेम आने वाला है। जैसे यार एमजी का वर्क डन, मान लो मैं बॉडी को यहां से उठा के यहां पर लेके गया, ये एच हाइट है ना, एच हाइट है, अब मैं यूं ले जाऊं, स्ट्रेट लाइन में ले जाऊं, आला टेढ़ा कैसे भी ले जाऊं, एमजीएच ही वर्क डन आने वाला है कांस्टेंट फोर्स का, फोर्स और उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, पता है हमको ये, ठीक है। नाउ स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग का वर्क डन कितना होता है, स्प्रिंग का वर्क डन कितना होता है, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, ठीक है, याद रखना है, इसमें इनिशियल पहले आता है, इनिशियल पहले आता है एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल कंप्रेशन इलोंगेशन कुछ भी हो सकते हैं, पर वो इनिशियल पहले आता है, फाइनल बाद में आता है, ये याद रखना है सबको, ठीक है। ऑसम मैक्स, चलिए बहुत ही अच्छी बात, तो ये मेजर वाली चीज हो गई एक। अब अगर हम बात करें यार वर्क एनर्जी थ्योरम की, तो यार वर्क डन का कैलकुलेशन हो गया एफ डॉट एस या फिर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस डिपेंडिंग ऑन कॉन्स्टेंट ए की वेरिएबल है। अब अगर इसमें हम थोड़ी सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिनसे सवाल आते ना, उसकी बात थोड़ी सी डिटेल में करेंगे अपन, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम यार हमको पता है, नेट वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के ई, नेट वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के ई, मैं बोल रहा हूं ना, मेरे साथ आप कोशिश करो, आप भी बोलो, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, आप साथ में बोलोगे ना, तो आपके एक और इफेक्ट आपको हेल्प करेगा याद करने के लिए, ठीक है। तो नेट वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के ई, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, ठीक है। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, जिसको मोमेंटम के टर्म्स में पी स्क्वायर बाय 2m भी लिखते हैं, मोमेंटम के टर्म्स में पी स्क्वायर बाय 2m भी जिसको अपन लिख लेते हैं, ठीक है, जहां पर पी मोमेंटम है, ठीक है। नेट वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, राइट, समझ गए। वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर हम बात करें वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होता है, इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होता है। अगर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम को नॉन इनर्शियल फ्रेम में यूज करना है, तो हमें सूडो फोर्स का वर्क भी कंसिडर करना पड़ेगा, सूडो फोर्स का वर्क भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। अगर हम अब देखें सिस्टम के लिए वर्क एनर्जी कैसे लगती है यार, तो सिस्टम के लिए भी सेम तरह से लगती है, नेट वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये पार्टिकल के लिए था, ये सिस्टम के लिए है, नेट वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे फोर्स और सिस्टम पे वर्क और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेम लगता है, बस यहां पर पार्टिकल के बदले सिस्टम आ जाता है, राइट। नाउ अब अगर ऐसे देखें टेंजेंशियल फोर्स का वर्क डन कितना होता है,
सर टेंजेंशियल फोर्स क्या होती है यार? वो फोर्स जो कि टेंजेंट के अलोंग ही लगती है, तो यार उसका वर्क डन जो होता है ना कई बार काम आ जाता है ये, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया इसमें। तो देखो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस से चलेंगे, एफ डी एस कॉस थीटा, या डी एस डी एस डी एस हमेशा फोर्स के अलोंग है, एफ डी एस कॉस थीटा। तो एफ कॉन्स्टेंट है मैग्नीट्यूड में, अगर डायरेक्शन में तो कैसे कॉन्स्टेंट होगी, मैग्नीट्यूड में अगर कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी एफ, और ये एफ एस हो जाएगा। तो फोर्स इंटू लेंथ ऑफ द कर्व, फोर्स इंटू लेंथ ऑफ द कर्व, ये वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स आ जाती है अगर मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है। तो अगर मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है तो ये चीज आ जाती है यहां पर, समझ गए? ठीक है, चलो वर्टिकल सर्कुलर मोशन एनालिसिस कर लेते हैं। यार ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका मैं थोड़ा सा एक खाली स्लाइड में डिटेल बता देता हूँ। चलो पहले ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं एक रस्सी से बांध के एक बॉल को इधर इनिशियल स्पीड यू दे दूं, ध्यान से सुनना, इसकी लेंथ एल है, ये ग्रेविटी में यहां से बंधी हुई है, मान लो एक पॉइंट से यहां पर बंधी हुई है, पर इसके अराउंड घूम सकती है ये। तो अगर मैं इसको यू स्पीड दे दूं यहां से, ये स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है। तो अगर मैं इसको यू लेस देन इक्वल टू अंडर रूट टू जी एल देता हूं, अंडर रूट टू जी एल देता हूं, तो ये यहां तक जाकर वापस आ जाएगी और ये ऐसा मोशन करेगी, ये ऐसा मोशन करेगी ये, ठीक है ना, ये अंडर रूट टू जी एल पे यहां तक पहुंचेगी, अंडर रूट टू जी एल पे यहां पर पहुंचेगी, फिर वापस आ जाएगी। तो ये अंडर रूट टू जी एल पे ये ऐसा कटोरे में मोशन करेगी। अगर इसको कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है, तो हमें जो यू मिनिमम देनी पड़ेगी, यू मिनिमम जो हमें देनी पड़ेगी वो अंडर रूट फाइव जी एल देनी पड़ेगी, मिनिमम जो है वो अंडर रूट फाइव जी एल देनी पड़ेगी, जो कि टॉप पे यहां पर जब जाएगी ये, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी अंडर रूट जी एल होगी, समझ गए? तो फाइव जी एल दूंगा तो अंडर रूट जी एल होगी। देखो 90 डिग्री ट्रेवल करने पर है ना, अंडर रूट में से टू माइनस करते रहा करो, अंडर रूट में से टू माइनस कर दो तो यहां पर उतनी वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहां पर अंडर रूट फाइव जी एल में से माइनस कर दो टू, तो देखो एक ट्रिक बता रहा हूं, थ्री जी एल हो गई, थ्री में से फिर 90 डिग्री का टू माइनस कर दो तो अंडर रूट वन जी एल हो गई। तो फाइव थ्री वन, सिक्स से चालू करता तो 6 4 2, ऐसे टू टू का गैप आता रहता, और यहां पर फिर से अंडर रूट थ्री जी एल हो जाएगी, और फिर 90 डिग्री घूमने के बाद फिर अंडर रूट फाइव जी एल हो गई। तो अंडर रूट फाइव जी एल चाहिए होती है अगर स्ट्रिंग होती है तो, अगर स्ट्रिंग होती है तो, जिसमें कि ये सर्कुलर मोशन छोड़ने की चांस होती है। तो ऊपर हमको मिनिमम चाहिए सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए अंडर रूट जी एल, ऊपर ही ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर रॉड ले लेता हूं, अगर मैं यहां पर रॉड ले लेता हूं और रॉड से पार्टिकल बांध देता हूं, तो मुझे फिर यू मिनिमम जो है बच्चों अंडर रूट फोर जी एल चाहिए होती है हमको, अंडर रूट फोर जी एल, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगी ये यहां पर पहुंचेगी तो फिर इसकी यहां पर अंडर रूट टू जी एल हो जाएगी, और जब यहां पर पहुंचेगी तो यहां पर इसकी जस्ट जीरो हो जाएगी। अब ये रॉड है, ये रॉड है, रॉड ये इसको गिरने नहीं देगी जीरो पर भी, जस्ट जस्ट जीरो से ज्यादा, समझ गए? डिफरेंस समझ में आया? तो अंडर रूट टू जी एल, सॉरी अंडर रूट फोर जी एल और अंडर रूट फाइव जी एल में डिफरेंस समझना। अगर एक कंस्ट्रेंट है जाने के लिए कि यार मैं तो सर्कल पूरे ही कंप्लीट करके वापस आऊंगी, मैं स्लैक नहीं हो सकती, मैं स्लैक नहीं हो सकती, तो फोर जी एल नहीं तो फाइव जी एल, यहां पर स्लैक नहीं हो सकती, यहां पर स्लैक हो सकती है, राइट? ऑल गुड, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इसका ध्यान रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर, अब कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स ये भी पढ़ा दो। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है अपने को पता है यार, जब वर्क डन क्लोज्ड पाथ में जीरो होता है तो वो फोर्स कंजर्वेटिव होती है, क्लोज्ड पाथ में जब वर्क डन जीरो होता है तो भाई फोर्स कंजर्वेटिव होती है, अगर वर्क डन में, वर्क डन क्लोज लूप में जीरो होता है तो, समझ गए? ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करता है, राइट। देन कॉन्स्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव होती है, सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो वो नॉन कंजर्वेटिव होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है, उसमें क्लोज पाथ में लेके जाओगे घुमा के तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। सेंट्रल फोर्स क्या होती है यार, ये पहले पूछे जाते थे, अब ज्यादा नहीं आते, जो आर का फंक्शन होते हैं ना ऐसे ही है, जो एक सेंटर की तरफ लगती है एक, वो सेंट्रल फोर्सेज होती है एक, ठीक है, ये कंजर्वेटिव होती है, जो ऐसे आर का फंक्शन होती है ये, और आर कैप की डायरेक्शन में लगती है, ठीक है, दैट इज नॉट वेरी मच नीडेड। अब एक क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन पढ़ो, ये काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है किसी ना किसी फॉर्मेट में, तो आई वुड लाइक कि यार सब लोग जो है ना इस एक क्वेश्चन को पढ़ लो और इसका रिजल्ट याद रखना। चलो तो यार ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फिक्स्ड स्फेयर है, आपने ऊपर से यहां से इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया और उसको छोड़ दिया, फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, तो यार वो ऐसा तो है नहीं कि अपने आप नीचे तक आता रहेगा, किस थीटा पे वो कॉन्टैक्ट छोड़ेगा ना, किस थीटा पे वो कॉन्टैक्ट छोड़ेगा उसकी वैल्यू पूछ ली जाती है, और वो होता है कॉस थीटा इक्वल टू 2/3। तो थीटा इज इक्वल टू, कई बार ऑप्शन में ऐसा भी लिखा रहता है, कॉस इनवर्स 2/3, है ना, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो कॉस थीटा 2/3 पर वो
अपना कॉन्टैक्ट लूज कर देता है अगर रेस्ट से ऊपर से छोड़ा है तो। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल जीरो हो जाती है, फिर वो जो है एक अपने अलग पाथ पे चल जाता है, पर इससे कॉन्टैक्ट छोड़ देता है वो। समझ गए? ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना है, कॉस इक्वल टू 2/3। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो यार पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ये पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट पहली बार वर्क एनर्जी में पढ़ते हैं यार। ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी MgH होती है, रेफरेंस ग्राउंड पे ले तो, और हाइट के बीच में डिफरेंस है तो MgH इनिशियल माइनस H फाइनल, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाता है। तो यार ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी MgH हो जाती है, कितनी हो जाती है? MgH, राइट। तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और जो वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है वो पहले देख चुके हैं माइनस डेल्टा यू से। तो हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। आप कैसे भी स्प्रिंग को तोड़ के तो नहीं, पर कैसे भी घुमा के सीधे ले जाके कैसे भी कर लो, अगर मैं एक स्प्रिंग को एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल लेके जा रहा हूँ, सीधा लेके जा रहा हूँ या घुमा के लेके जा रहा हूँ, तो भी वर्क डन तो सेम ही होगा, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एफ फाइनल स्क्वायर, एक्स फाइनल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अभी देखिए हमने यू को एफ के टर्म्स में लिखना सीखा। चलिए अब चलते हैं अपन मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन पे। तो यार मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जीरो है, अगर एक्सटर्नल एजेंट का और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव का जीरो है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब जरा इक्विलिब्रियम देख लेते हैं भैया। तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, इक्विलिब्रियम भी पढ़ा था अभी हमने। ठीक है, इक्विलिब्रियम भी पढ़ा था हमने कि एफ नेट जीरो होती है तब इक्विलिब्रियम होता है। ये तो पढ़ लो, सिंपल सा है ये तो भैया। एफ नेट अगर जीरो होती है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाती है। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जैसे कटोरे में बॉल ऐसे रख दी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन मैथमेटिकली कैसा होता है? जब डी यू बाई डी एक्स जीरो होता है, एफ नेट जीरो है, एफ डी यू बाई डी एक्स हो गई, डी यू बाई डी एक्स जीरो होता है। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए भी डी यू बाई डी एक्स जीरो होता है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए भी डी यू बाई डी एक्स जीरो होता है। एफ नेट तो जीरो होती है। डिफरेंशिएटिंग क्या है इसके लिए? देखो, डबल डिफरेंशिएशन यू का पॉजिटिव होता है, डबल डिफरेंशिएशन यू का पॉजिटिव होता है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल, जब इसको साइड में सरकाएंगे तो ये वापस इधर की साइड ही आ जाए, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको थोड़ा सा सरकाएं तो ये इक्विलिब्रियम से दूर भाग जाए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कटोरा नीचे तो ये डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि यार इसको इधर सरका भी दिया तो भी इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, उसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। राइट, समझ गए? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जो वर्क एनर्जी का लास्ट पार्ट है, दैट इज पावर। तो भाई जो पावर है तो पावर कैसे डिफाइन करी जाती है? पावर डिफाइन करी जाती है रेट ऑफ वर्क डन बाय दैट फोर्स। तो जो डी डब्ल्यू बाई डी टी है दैट इज पावर, ये रेट है। रेट दो टाइप की होती है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस हो गई डी डब्ल्यू बाई डी टी, और एवरेज हो गई डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, पार। ठीक है यार, पार, पावर नहीं, पार, पार्टी। वही 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 हो रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, ऐसा यूनिट वॉट होता है इसका, ठीक है ना। और एक और यूनिट होता है इसका हॉर्स पावर। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट होती है इसमें। ये नहीं पूछते पर फिर भी याद रख लेना है, 1 हॉर्स पावर 746 वॉट होती है। ठीक है, तो डब्ल्यू और टी की स्लोप हमको पावर दे देती है। तो जो डब्ल्यू और टी की जो स्लोप है ना, वर्क डन और टाइम की जो स्लोप है इन इस ग्राफ की, वो हमें पावर दे देती है। ठीक है, और अगर पावर टाइम का एरिया देखें हम, पावर टाइम का अगर हम एरिया देखें तो वो वर्क डन दे देता है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब इस सेक्शन से सवाल आते हैं एक्चुअली में। यहां तक रिवाइज हुआ, पावर टाइम का एरिया वर्क डन, वर्क डन टाइम की स्लोप पावर। अब पावर को फोर्स और वेलोसिटी के टर्म्स में भी हमें लिखना आना चाहिए। वेलोसिटी का फंक्शन दे देते हैं टाइम का और पूछते हैं पावर कितनी है, वेलोसिटी का फंक्शन दे देते हैं डिस्टेंस का और पूछते हैं पावर कितनी है। तो उसमें आपको ये चेन लगानी पड़ेगी। पावर का एक फॉर्मूला और होता है एफ डॉट वी, पावर का एक फॉर्मूला और होता है एफ डॉट वी, दैट इज एफ वी, एम ए वी, एफ को लिख दिया एम ए वी। एक और दो तरीके से लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी या वी डीवी बाई डी एस। यहां से पावर के दो फॉर्मूले बन जाते हैं, समझ गए आप?
तो अगर v टाइम का फंक्शन गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, v अगर s का फंक्शन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, राइट है? ठीक है, सो दैट वाज पावर। दोनों में डिफरेंस ये है बेटा कि v वर्सेस t का अगर मैं आपको दे दूं, चलो वेलोसिटी इक्वल टू टी स्क्वायर का फंक्शन है, पर मैं आपसे बोलूं यार इस चीज की ना पावर निकालो, एक पार्टिकल है जिसके वेलोसिटी का फंक्शन टी स्क्वायर है, अब आपसे पावर पूछ ली, कैसे कैलकुलेट करोगे आप? ये वाला फॉर्मूला लगाओगे फर्स्ट नंबर वाला या सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला लगाओगे, या पहले डिसाइड ही कैसे करोगे मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करूं? देखो मैंने आपको दो तरीके बता दिए, अब आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, तो एम डीवी बाई डी टी टू टी इंटू वी टी स्क्वायर, तो 2mt³ पावर का फंक्शन आ गया, समझ गए? और अगर वेलोसिटी यहां पर एक्स स्क्वायर गिवन होती, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन या पोजीशन का फंक्शन, तो फिर वो वाला फॉर्मूला लगता। गॉट द डिफरेंस? डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, तो ये इस तरह से बत्ती चल जानी चाहिए। योर पावर के सर ने दो तरीके बताए थे, एफ डॉट वी, एक बार को एफ डॉट वी कर लिया, एफ वी हो गया वो एम ए वी के बराबर हो गया वो, है ना? एक को दो तरह से लिख लिया, अब देख लो। ठीक है, तो कभी पावर का फंक्शन पूछे ना तो ये चीज दिमाग में आ जानी चाहिए हमारे, राइट? ठीक है, ऑसम। सो दैट वेयर डू इट लीड्स अस, ऑसम मैक्स। तो यार वर्क और एनर्जी भी खत्म हो गया।